दोस्तों इस्तकबाल नज़र इंडिया न्यूज़ में, और हम इस वक्त मौजूद है जेनरिक दवाएं जहां पे मिलती है कालसेगर में। ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, गरीब लोगों को यहां से दवाइयां मिलती है और एक रिजनेबल रेट में मिलती है, अफोर्डेबल रेट में। अब हम यहां आए तो पता चला कि 3 दिनों से ये जगह भी बंद है, तो सवाल ये पैदा होता है, लॉकडाउन है, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य की दुकानें क्यों बंद है? स्वास्थ्य के जो स्रोत हैं, जो जरिए हैं, वो क्यों बंद है? गरीब लोग ऐसे में जाएंगे कहाँ के? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का भरोसा जेनरिक पे है। इस वक्त दोपहर का वक्त है और अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे दवाओं के लिए भारी भीड़ रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखिए आप, लेकिन इन सब जगहों को तो चालू रखिए, इन जगहों को तो शुरू कीजिए। ये देख रहे हैं कि पूरा जो रहता है इतना भरा रहता है, तो लॉकडाउन करने के बाद इन दुकानों को बंद करने का क्या मकसद है? मेडिकल सुविधाएं, कल से कॉल्स आ रहे हैं हमें कि बराए मेहरबानी जो दवाखाने हैं छोटे मोटे वो भी बंद कर दिए गए। मुमरा कौसा में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें नहीं लिया जा रहा है दवाखानों में। इसके अलावा कालसेगर हॉस्पिटल जैसा मशहूर हॉस्पिटल सील हो गया, डायलिसिस के पेशेंट परेशान हैं, हर तरह से लोग यहाँ पे परेशान हैं पूरे मुमरा कौसा में। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना से तो आदमी पहले मरेगा, दवाइयाँ ना मिलने की वजह से, ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसके पहले ही मर जाएगा वो, माफ़ कीजिए, कोरोना से बाद में मरेगा आदमी, पहले दवाइयाँ ना मिलने की वजह से पहले मरेगा। तो ये चीज़ प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, अपने लॉकडाउन को प्रभावी बनाया, बहुत अच्छा लॉकडाउन किया आपने, लेकिन कम अज़ कम जहाँ से लोगों की सेहत का ख्याल होता है, सेहत की जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, उन चीज़ों को आप चालू शुरू रखिए ताकि लोग इन खिदमत का फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, यही हमारी प्रशासन से अपील है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम शेख दानिश अहमद है। किस लिए आए थे आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर मेरे भाई की, जो उनको एपिलेप्सी की शिकायत है, फिट की बीमारी है उनको, तो दवा लेने के लिए आया था मैं। और वो दवाई का मसला ऐसा है पेशेंट के लिए, अगर 2 दिन भी उनको गैप हो जाता है तो उनको फिट आना, वापस फिट आ जाती है उनको। तो मतलब 2 दिन अगर आप दवाइयाँ नहीं देंगे तो उन्हें फिर से, कितने दिन से आपने दवा नहीं ली? फिलहाल तो आज का 3रा दिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो फिट आई नहीं है। हमने स्टॉक करके रखा था लेकिन वो दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। और जैसे कि ये दवाइयाँ बाहर दवाखानों में भी उपलब्ध हैं, प्राइवेट मेडिकल में भी उपलब्ध है, लेकिन वो दवाइयाँ वहाँ पर काफ़ी महंगी आती है, काफ़ी महंगी। और यहाँ पर जो है जैसे जनशद औषध योजना, वहाँ पर सस्ती आती है, तो हम लोग यहाँ से आके ले रही, हमारे अफोर्डेबल रेंज में बैठ जाती है। आप आए तो क्या क्या कहा आपको, आस पास कोई मिला यहाँ पे? यहाँ पर आया तो सबसे पहले तो शटर बंद था, एक कोई कर्मचारी था या पता नहीं कौन था बिल्डिंग के अंदर जा रहा था, हमने उनसे पूछा तो उसने कई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। तो यहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज, कितने दिन से बंद है कह रहे हैं लोग? वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि लगभग 3 दिन से बंद है। 3 दिन से बंद है? 3 दिन से बंद है। 3 दिन से बंद है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।